ये पेड़ की छाल है, वो बहुत सारी चौड़ी थी, उसको काट लिया है। अभी आप गंदगी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी है, तो उसको यही साबुन और ब्रश से मैं क्लीन करूँगी एक दो दिन धूप में, फिर ये सूख जाएगी, उसके बाद में इसका उपयोग पेंटिंग करने में करूँगी। धोकर सुखा ली है, अब मैं ये एक्रिलिक कलर को इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसका जो नेचुरल कलर है वही रख सकते हैं और उसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। एक कोट सूख जाएगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा कोट लगाऊंगी। देखिए मैंने एक्रेलिक कलर लगा दिया है। अब ये पेड़ की छाल एज अ कैनवास बेस रेडी है, इसके ऊपर आप कुछ भी क्रिएटिविटी या आर्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग को ये देखकर कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि पामपोड और पेड़ की छाल में क्या डिफरेंस है, तो आइए जानते हैं। देखिए ये फ्लावर के साइड में जो एसेसरीज के तौर पे मैंने लगाए हैं, ये पामपोड हैं जो इस तरीके से छोटी साइज़ या बड़ी साइज़ में निकलते रहते हैं। इसका उपयोग भी आर्टिस्ट पेंटिंग करने के लिए यूज़ में लेते हैं और हम जैसे क्रिएटिव पर्सन फूलों को सजाने में भी कर सकते हैं। ये कार्डबोर्ड रोल है, इसको डेकोरेट करना बाकी है। अब आप ये देखकर हैरान हो गए होंगे कि ये फ्लावर्स किस में से बने हैं, तो देखिए ये कॉर्न हस्क को मैंने ड्राई कर दिए हैं, ये कॉर्न हस्क ही हैं जिसमें से मैंने ये कॉर्न हस्क फ्लावर्स बनाए हैं। कलर नहीं किया गया है, आप चाहे तो स्प्रे कलर या एक्रेलिक कलर से इसको सजा सकते हैं। तो ये अलग सोचने के तरीके से बहुत फ़र्क पड़ता है, आर्टिस्ट और क्रिएटिव पर्सन में यही फ़र्क है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।